See, I tell you very honestly, मैं विशाल फुरिया as a director, उनका जो इस जॉनर पे जो पकड़ है, चाहे वो हॉरर हो चाहे वो थ्रिलर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू नो, होता है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको थ्रिलर का एक कमांड है उसको बनाने में. तो मुझे पता था कि ये फिल्म अच्छी तो ज़रूर होगी, लेकिन बिकॉज फिल्म का टाइटल फोरेंसिक है, लेकिन उन्होंने फोरेंसिक को इतने डिटेल्ड में इतने स्लीक तरीके से एक्सप्लेन किया. मेरी खुशकिस्मत ये रही है कि मैंने ओरिजिनल मलयालम में फोरेंसिक देखी, और जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. इट्स नथिंग टू डू विद दैट मूवी. इट हैज नथिंग टू डू विद दैट फिल्म. सो दैट इज गोइंग टू बी द सरप्राइज फॉर द ऑडियंस. कि जिन जिन लोगों ने देखा है और जो जिन्हें लगता है कि हमें सस्पेंस पता है, कुछ नहीं पता तो कुछ नहीं पता. लेकिन मैं ये बताना भी नहीं चाहता हूँ कि अच्छा नहीं बताऊँ. नहीं सर, मत बताना. देखिए, आई थिंक दिस इज़ अ सुपर हिट मूवी. अगर मुझे लगता है ये थिएटर में लगती तो भी सुपर हिट होती, पर जी पे पूरी दुनिया के लिए 24 तारीख को ये आ रही है और सारे रिकॉर्ड OTT के, मेरे को लगता है ये तोड़ेगी. बहुत फैंटास्टिक पिक्चर बनी है. थोड़ा क्रॉस खड़े होंगे, अरे I'm just very excited for this film. I know that this team has done a fantastic job. It's all the actors that, you know, we really enjoy watching their work and their performances. Forensic science जो हमारे criminal justice system में इस्तेमाल किया जाता है, ये उसके बारे में. It's an investigative drama. और आज की तारीख में जो forensic techniques और technology हमारे पास available है, ये उसको दर्शाती है. इट्स एन आउट एंड आउट हू डन इट एंटरटेनर. सो आई होप पीपल विल एंजॉय वॉचिंग दिस.